सैम, मुझसे कशिश का दर्द यूं देखा नहीं जाता। बॉबी की मौत से उसको गहरा सदमा लगा है। दोनों की शादी होने वाली थी। आंटी, आप ही समझाइए कशिश को। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया। आंटी, एक काम करिए, कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर ले जाइए। वहां शायद ये नॉर्मल हो जाए और कुछ खा ले। एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत होगी, यकीन ही नहीं होता। वो इतना संभाल के गाड़ी चलाता था हमेशा, फिर भी। बॉबी, सैम, यार बॉबी का मैसेज आया मेरे पास। बॉबी ने तुम्हें मैसेज किया? ऐसे कैसे हो सकता है पार्थ? पार्थ, बॉबी तुझे कैसे मैसेज कर सकता है? अब वो इस दुनिया में नहीं है। आज सुबह ही हम सब ने उसके फाइनल राइट्स किए हैं। एक मरा हुआ इंसान तुझे कैसे मैसेज कर सकता है बात? सैम, ये तो बॉबी का मैसेज है। पार्थ, मैसेज पढ़ के तो देख क्या है उसमें। तू कहां चला गया है मुझे इस बॉक्स में अकेला छोड़कर? एक मैसेज और। यहां अंदर कितनी ठंडी और अंधेरा है। पार्थ, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे साथ जरूर कोई घिनौना मजाक कर रहा है। हाँ, जरूर ही ग्रेवयार्ड में बॉबी का फोन किसी के हाथ में लग गया होगा और वही इतना गंदा मजाक कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको उस कब्रिस्तान में एक बार फिर से चल के देखना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हैं। तू एक काम कर, तू गाड़ी से आ, मैं बाइक से आता हूँ। माँ का फोन आया, मुझे घर भी जाना है। नहीं तो हम सब चलते हैं। हाँ। नहीं नहीं, तुम यही रुको, आंटी अंकल का ध्यान रखो। सैम, हम दोनों चलते हैं कब्रिस्तान में। सैम, ऐसा कैसे हो सकता है यार? हमने बॉबी का फोन उसकी लाश के साथ दफनाया था। पार्थ, मैंने सोचा था फोन के साथ साथ हमारा सीक्रेट भी मिट्टी में दफन हो गया होगा, लेकिन नहीं, हमें
वहां कब्र के पास जाके देखना चाहिए, किसी ने उसका फोन लिया है क्या। पार्थ, यहाँ तो सब ठीक है। ये बॉबी का फोन जरूर किसी ने हैक किया है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तू डर मत, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल यहां से मेरे साथ। चल सैम। पार्थ, मैं तो बहुत थक गया हूँ और माँ भी अकेली घर पे इंतज़ार कर रही होगी। मैं घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं हम लोग। चल सैम, थैंक यू, तूने इतनी हेल्प करी, कल मिलते हैं। थैंक्स। तू भी ध्यान रख अपना। तू मेरे इतना पास आकर भी मुझसे बिना हाय करे चला गया, ये नहीं हो सकता। सैम बेटा, पानी पी लो। खाना लगा दूं बेटा? नहीं माँ, बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप चिंता मत करो, आप जाके सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, हम कल बात करेंगे। लेकिन बेटा, कल तो मैं घर पर नहीं हूँ, कल मैं तुम्हारी मौसी के यहाँ पे जा रही हूँ। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। जो कुछ भी हुआ बस वो सोच सोच के थोड़ा परेशान हूँ। आप जाइए, सो जाइए। ठीक है बेटा, गुड नाइट। बाहर घर पहुंचाओगे कि नहीं पूछ लेता हूं।
मुझे मैसेज करना बंद करो बॉबी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम मर चुके हो, यू आर डेड। हेलो, हाँ सैम। पार्थ कहाँ है तू? तू ठीक से घर पहुंच गया? और तू इतना हाफ क्यों रहा है? फिर से मैसेज आया सैम। क्या? फिर से मैसेज? और इस बार मैसेज के साथ साथ उसकी सेल्फी भी आई है। सैम, मैं तंग आ गया उस बॉबी से और मैं इसे रोकने जा रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। यार पार्थ तू कर क्या रहा है? मैं उसकी कब्र खोद रहा हूँ। पार्थ तेरा दिमाग खराब हो गया? बस यही तरीका है यह सब पता लगाने का, ये सब हो क्या रहा है। पार्थ ये तू क्या कर रहा है यार? सैम, बस मैं कॉफिन तक पहुंच गया हूं, अब इसे खोल के देखूंगा। हेलो पार्थ। सैम, तूने कुछ सुना? सैम नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। सैम, किसी ने मेरा नाम लिया। सैम पार्थ, ये तू क्या बोल रहा है तू? सैम, किसी ने मेरा नाम लिया। सैम हेलो पार्थ। सैम, ये बॉबी है। बॉबी, मेरा दिमाग खराब मत करो। सैम, इसके आंखें खुली। सैम, वो मोबाइल हाथ पे है। सैम, उसका फोन है कॉफिन में। हाँ, उसके हाथ में ही है। तू फोन लेकर वहां से निकल। अरे छोड़ नहीं रहा यार, निकल नहीं रहा उसके हाथ से। सैम छोड़, फोन छोड़ बॉबी। सैम, उसके बॉडी से हाथ निकल गया। सैम फेंक हाथ उसका, निकल वहां से तू। मिला फोन? हाँ सर, सर फोन लेके निकल वहां से। मुझे अकेला छोड़ के मत जा पार्थ। ठीक है ना? पार्थ तू ठीक है ना? हेलो हेलो पार्थ, पार्थ तू बोलता क्यों नहीं कुछ? पार्थ, फोन पे भी बड़ा घबराया हुआ लग रहा था, क्या बात होगी? ओह सॉरी,
कशिश, तुम्हारी कल रात के बाद पार्थ से कुछ बात हुई क्या? नहीं तो पर तुम इतने घबराए हो क्यों लग रहा सैम? क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो एक्चुअली बॉबी के फोन से मैसेजेस आ रहे थे। तू कहां चला गया है मुझे इस बॉक्स में अकेला छोड़कर? पार्थ, यहां तो सब ठीक है? मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। वही हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। किसी को बॉबी का फोन मिल गया होगा। बॉबी का मैसेज? बॉबी को साथ से? मेरे बेटे का मजाक मत बनाइए। अरे जब वो इस दुनिया में नहीं है तो किसी को एसएमएस कैसे भेज सकता है? भाई साहब, मेरा पार्थ भी कल रात से गायब है। सैम ने कहा था कि वो कल रात यहीं आया था। ताब हो गया। वो ताबूत खोल। ताब कॉफी में मैं नहीं खोलूँगा। बोल रहा हूँ ना, खोल ताबूत। नहीं साहब, मुझे डर लगता है। जो डेड बॉडी अंदर से मैसेज कर रही है, फोन कर रही है, उसका ताबूत मैं नहीं खोलूँगा। इसमें डरने की क्या बात है, हम लोग हैं ना यहाँ पर। खोल। आप इतने बहादुर हो तो खुद अंदर आओ ना, खुद खोलो। नहीं से मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं खोलूँगा। अरे अरे सुन, मैं जाऊंगा नीचे। मैं खोलूंगा कॉफिन। आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने मुझे आवाज दी। सैम? नहीं सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। यहां आने के लिए थैंक यू सैम। अभी 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 आप लोगों ने आवाज सुनी। बॉबी ने बोला थैंक यू सैम। नहीं तो सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। सैम, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आवाज सुनी।
दोनों की डेड बॉडीज पूरी तरह से चेक की हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉबी का मैसेज, पार्थ की मौत, इन सब का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। देखिए चिंता मत करिए, अभी दूसरे डॉक्टर की टीम फिर से एक बार चेकअप कर लेगी, इसलिए डेड बॉडी को मॉर्ग रूम में ही रखना होगा। सर सर, मेरे दोस्त मुझे अचानक छोड़ के चले गए सर। सर मैं उनको आखिरी बार सही से देख भी नहीं पाया, क्या मैं उनको एक बार देख सकता हूँ सर? प्लीज सर, सिर्फ एक बार प्लीज सर। मुझे क्यों छोड़ के चला गया यार? बॉबी, बॉबी का टूटा हुआ हाथ इस तरीके से क्यों उठाया? तुमने क्या किया उस हाथ के साथ? मैंने नहीं तो? देखो तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा है, सब सच बताओ। हाँ, मैंने वो हाथ बॉबी के फोन के लिए उठाया था और फिर उसके बाद वहीं फेंक दिया। पर क्यों? तुमने फोन वहां से चोरी से क्यों उठाया? क्योंकि उस फोन में वो मैसेज था जो पार्थ ने बॉबी को एक्सीडेंट वाले दिन भेजा था। ये देखो, ये तुम दोनों ने क्या किया? मैं खुद ही बॉबी को बताने वाली थी कि मैं उससे नहीं पार्थ से शादी करना चाहती हूँ, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पार्थ बॉबी को बताना चाहता था कि तुम्हें हासिल करने के बाद उसने बॉबी को फिर हरा दिया, और मुझे पूरा यकीन है बॉबी का एक्सीडेंट ये वीडियो देखने के बाद ही हुआ। वो गाड़ी चला रहा होगा और वीडियो देखते देखते उसका गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी पेड़ में जाके टकरा गई और हमारा दोस्त बॉबी मर गया। इसका मतलब इस एक वीडियो के वजह से उन दोनों की मौत हो गई। मुझे लगता है बॉबी अपना बदला लेने के लिए वापस आया है। देखो इस सब को रोकने के लिए ना तुम ये मैसेज अभी डिलीट करो, अभी डिलीट करो। तुम अपना ख्याल रखो कशिश।
पार्थ और बॉबी की आवाज है। मिट्टी यहां कैसे आ गई? Please, मुझे कुछ बताओ।
गॉड, सैम का मैसेज है। लेकिन इतनी रात को ये मुझे क्यों पिक्स भेज रहा है? सैम, ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी मॉल जाना होगा। मेरे साथ कोई मजाक किया। उसने कंप्यूटर ग्राफिक्स से अपनी पार्थ और बॉबी की पिक्चर्स बनाई होगी और मुझे 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 डराने के लिए भेजी होगी। क्यों?
कौन है? कशिश यार, कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? तो मुझे कभी कुछ दूर नहीं होने देते, इसलिए मेरे तुम्हें
कर पा रहा। वो तुम्हें मरने के बाद भी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। मरने के बाद भी तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब हम चारों दोस्त एक साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना। क्यों कशिश?